हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में और मौज में होंगे, आशा करती हूँ। और मैं आप लोग के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, ये सैटरडे मॉर्निंग का है, तो अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उजाला निकल चुका है। तो अभी 5:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। मैं 5 बजे ही उठी थी, लेकिन ज़्यादा अंधेरा था तो बाहर नहीं निकल सकी। मुझे डर लगता अंधेरे से। थोड़ा सा जब उजाला होने लगा तब मैं निकली। और ऐसे भी बोलते हैं ज़्यादा अंधेरा रहेगा झाड़ू नहीं मारना चाहिए बाहर में, इसी वजह से। तो सबसे पहले मैं उठ के ना जो अपना घर का जो छोटा सा चौखट है उसको धोती है, क्योंकि कुत्ते वगैरह रात में यहाँ सोए थे, अभी भी सोया था, तो मैं उसे भगा रही थी। और फिर उसके बाद उसको धोने के बाद मैं वो जो बैठते हैं हम लोग चबूतरा टाइप का एक छोटा सा बनाया, उसे भी धोती हूँ। लेकिन मेरा ट्राइपॉड अच्छा नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं सबसे पहले मैं तुलसी चौराहे के पास झाड़ू मारती हूँ, उसके बाद जो मैं पूरा आंगन है जो मेरा वहाँ तक झाड़ू पूरा अच्छे से मार देती हूँ। फिर उसके बाद जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, मैंने आया घर में डस्टिंग की, तो इतना सारा घर डस्टिंग करते करते टाइम लग जाता है, तो मैंने वो सब वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस मैं धोने का वीडियो जो है वो, ये वीकली रूटीन है मेरा कि वीक में एक दिन सैटरडे हो या संडे हो, किसी दिन भी जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उस दिन मैं घर को पूरा अच्छी तरह से पानी डाल के डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड थे घर पर, मतलब अभी 2 बजे उनका ड्यूटी रहता है ना, तो अभी सुबह वो टाइम रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वाला रूम है इतना बड़ा, मैं झाड़ू मारते मारते थक जाती हूँ, तो इसी वजह से मैंने उनसे कहा कि आप अगर हेल्प कर दोगे तो मैं धोऊंगी। तो मैंने सारा जो घर था, तीनों बेडरूम, उसके बाद जो पीछे वाला रूम और आगे वाला जो फर्स्ट रूम है, सब कुछ मैंने धो दिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है फर्स्ट रूम को धो रहे थे, उसमें भी मैंने आधा धोया था। और फिर ये सबको पोछा लगाने के लिए मैंने कहा आप धो और मैं जाती हूँ घर में पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि पूजा भी करना है, कपड़ा धोना है, खाना बनाना, सब कुछ करना है। और ऐसे भी मैं मशीन में कपड़े धोती हूँ, लेकिन जिस रूम में मैंने रखे थे ना, तो अभी वहाँ पानी ठीक से नहीं आ रहा, तो इसी वजह से मैं आज हाथ से ही धो लूँगी कपड़े। और ये देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड लगा दिया है काम में, और नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसी वजह से। और वो जो पोछने वाला जो होता है ना, वो मेरा बेटे ना, वाइपर जो होता है वो मेरा बेटा बोला कि मम्मी मैं झूठ मूठ का मछली पकड़ रहा था तो टूट गया, तो वो तोड़ दिया है, तो मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हाथ से पोछा लगाना पड़ रहा है। मैं फ्लिपकार्ट में सर्च कर रही थी मंगाने के लिए, देखती हूँ कौन सा पसंद आता और मंगाऊँगी, अभी सोच के रखा है। लेकिन इनका जब पेमेंट टाइम आएगा उसी टाइम मंगवाऊँगी, क्योंकि बीच में नहीं हो सकता है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए बेडरूम में बाबू अपना मोबाइल लेके वो खेल रहा है, मतलब मोबाइल देख रहा है, और मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ। तो रूम में जो ये ड्रेसिंग टेबल का साइड है ना, बहुत पतला सा है, मतलब पतला रास्ता है, तो वहाँ पे लगा दिया पोछा। और आगे वाला रूम अपने आप में ही सूख गया था, धूप पड़ता है ना, डस्टिंग करते करते पूरे ज़ोर से धूप निकल गई। और देखिए पूरा उजाला हो चुका है। तो आंगन तो मैंने धो ही दिया था, तो अब क्या करना है, सारे घर को मैंने अच्छी तरह से पोछा लगा दिया है। और ये देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन लग रहा है मेरा घर। और इस तरह से अगर वीकली क्लीनिंग कर देना तो घर बहुत साफ़ होता है। कितना भी आप पोछा मारिए, लेकिन अगर आप पानी डाल के अच्छे से धोते हो ना, घर की जो चमक होती है वो अलग ही होती है। ये सब होने के बाद फिर मैंने पानी वगैरह भरा, पानी आता है जो ऊपर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है ना, हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ से पानी भरा। और ये देखिए चूड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई थी, उसे सेट करके मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखा, क्योंकि वो शोकेस को मैं सोच रही हूँ आगे वाले फर्स्ट रूम में रखूँ, अच्छा रहता है, इसीलिए देखिए उसको अभी सेट नहीं किया है मैंने। इसमें कुछ सजाऊँगी, कुछ खरीद के लाऊँगी, कुछ घर में है, सबको मिला के ड्रेसिंग टेबल को अभी सजाऊँगी अच्छे से। फर्स्ट रूम में ड्रेसिंग टेबल रहे और उसमें सारा बहुत सारा सामान रहे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसी वजह से मेरा मन था फर्स्ट रूम में ही रखने का, लेकिन जगह नहीं था, तो अभी वो इन्वर्टर, बड़ा वाला टेबल, कंप्यूटर टेबल सब आगे वाले रूम में चला गया है, तो मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया। फ्रेंड्स मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और ये देखिए
सुबह का जो मॉर्निंग अभी मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ, तो अभी 9:30 ऐसे कुछ टाइम हो चुका है सारे आज, क्योंकि डिप क्लीनिंग की ना पोछा वगैरह लगाती तो जल्दी हो जाता, और सारे जो बर्तन हैं दिया वगैरह सब कुछ मिले गई थी धोने के लिए, और मैं रोज़ धोती हूँ जो भी मतलब दिया, उसके बाद घंटी छोड़ के और दिया और थाली ग्लास सब कुछ मैं धोती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं पूजा करती हूँ। तो अभी फूल वगैरह तो नहीं मिल रहे हैं, और मैंने बाज़ार से मंगा के रखती थी फ्रिज में, लेकिन अभी मंगाया नहीं है, तो ऐसे ही नॉर्मल सा घी का दिया जला दूँगी, धूप अगरबत्ती जला के बस पूजा कर दूँगी। और ये देख सकते हो सर, सबसे पहले मैंने दिया जला दिया दोनों, संतोषी माता का और सारे भगवान के लिए एक दिया जलाती हूँ, और एक एक्स्ट्रा संतोषी माता का व्रत करती थी ना, इसी वजह से उनके लिए मैं दिया रोज जलाती हूँ। और उसके बाद देखिए बस आरती वगैरह कर दूँगी, धूप वगैरह दिखा दूँगी, भोग वगैरह लगा दूँगी, और लड्डू गोपाल को आज मैं स्नान नहीं करवाऊँगी, अभी ठंड का मौसम है तो मैं डेली डेली स्नान नहीं करवाती हूँ उनको, एक दिन पे, दो दिन पे, कभी कभी तीन दिन पे ऐसे ही मैं स्नान करवाती हूँ। और जो मेरे लिए ला दी मतलब ये लड्डू गोपाल मैं खुद नहीं लाई थी, मेरी एक है दीदी वो ला दिए थे, तो उन्होंने वो अपने लड्डू गोपाल को जैसे करती है, मैं उन्हीं से सीखी हूँ सब कुछ, और इनके बारे में मुझे उतने अच्छे से नहीं पता था, फिर भी उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, और उन्होंने ही मुझे ला के दिया था लड्डू गोपाल, वो बस वो जैसे करती है मैं भी वैसे ही करती हूँ, और कुछ नहीं आता तो मुझे मैं उनसे सजेशन लेती हूँ इसीलिए। और ये देखिए धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद मैंने भोग वगैरह पहले से रेडी करके लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है बस पूजा करके। और ये देखिए जो भोले बाबा है ना, उनको मैंने जल ढालना भूल गया था, मैंने जल से स्नान करवाना, तो उनको स्नान करवा दिया। धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद बस तुलसी चौरा ये सब मैं पूजा कर दूँगी, वो सभी मैंने पूजा कर लिया। ये देखिए भोग मिश्री के दाने मैंने लगाए थे बस, और ये देखिए अब नहा धोना हो गया, सब कुछ हो गया, पूजा भी हो गया, तो अब जाऊँगी सीधा कपड़े सुखाने। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता मशीन को, अगर मैं मशीन में धोऊँगी बोल के सोच के रहती हूँ तो, क्योंकि शाम के सॉरी दोपहर के 2 बजे लाइट आती है, और धोते धोते 3 बज जाता है, इसी वजह से मैंने आज हाथ से सुबह सुबह धो लिया है। अब गर्मी लग रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तो मैं अब क्या करूँगी ना, सुबह सुबह ये कपड़े धो लूँगी हाथ से ही, और ठंड थी इसी वजह से मैं कपड़े नहीं धोती थी सुबह सुबह, मुझे ठंड लग जाती थी इसी वजह से। और देखिए सारे कपड़े वगैरह सूख गए हैं, मम्मी आ रही है, ड्रमस्टिक जो सजना साग होता है ना वो हस्बैंड लेके आए हैं अपने ड्यूटी से, तो बस उन्हें उसी को बनाऊंगी। तो उधर देखिए कुकर में ऑलरेडी मैंने जो मतलब वो अपनी ड्यूटी तरफ गैस पैन वहाँ से लाए थे तोड़ के, बस वही बनाऊँगी। कुकर में ऑलरेडी दाल इन्होंने मतलब मैंने ही मूँग दाल गाँव वाला, यहाँ का नहीं है, मम्मी गांव में जो छिलका वाला रहता है ना वो लाई थी, तो वो सबको मैंने कुकर में 2 सीटी लगा ली हैं। बस इधर थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी सरसों का, और इसमें सूखी लाल मिर्च डालो ना बहुत टेस्ट लगता है, इसलिए मैं सूखी डाल रही हूँ, कच्ची नहीं डाल रही हूँ, आप अपने पसंद से डालना सूखी या कच्ची। और ये देखिए थोड़ा सा लहसुन को मैंने कूट लिया, थोड़ा सा क्या 10-15 का लिया थी लहसुन के, इसमें लहसुन का स्मेल आता तो बहुत अच्छा लगता, तो बस उसी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और जो ड्रमस्टिक पत्ता बोला जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं अपने ड्रमस्टिक लीव, तो ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है अगर वो इसे खाए तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेनिफिट करता है अपने आपके बॉडी में, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। कोई कोई तो इसे पानी में उबाल के वो वाला पत्ता फिर फेंक देते हैं और पानी को पी जाते हैं, ये ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभदायक है, घरेलू नुस्खा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप टैबलेट्स खाते हो तो उसकी आदत लग जाती है, लेकिन इसे आप खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बहुत अच्छा अपना आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल रहेगा ना वो ठीक रहता है। तो ये देखिए मैंने ड्रमस्टिक को लीव को उसमें डाल दिया, यानी सजना साग का पत्ता बोला जाता है ना, आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये देखिए मेरा साग जो है अच्छी तरह से थोड़े से फ्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें जो दाल मैंने उबाला था वो डाल दिया, और दाल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उबाल दिया, तो आप लोग थोड़ा सा कम ही उबालना, मैं 2 सीटी लगाई थी ना, आप एक 2 सीटी हाँ 2 सीटी मत लगाना, 1 सीटी में ही हो जाएगा, 1-1.5 सीटी में, ऐसे 1.5 सीटी तो नहीं होता, 2 ही सीटी होता है, फिर भी मेरा लगता है 2-3 ज़्यादा ही लग गया, मुझे ध्यान नहीं आया, मैं उधर काम कर रही थी। आप 2 ही लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो मेरा जैसा दाल बहुत ज़्यादा गल गया था, फिर भी अच्छा लग रहा था खाने में, लेकिन थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना दाल तो बहुत अच्छा लगेगा।
मैं जो भी आप लोग से शेयर करती हूँ सच्ची है, सच्ची शेयर करती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। और सच में मेरा दाल थोड़ा ज़्यादा गल गया था, तो इतना नहीं गलना चाहिए। आप जब बनाओ तो दाल का ध्यान रखो कि थोड़ा सा दरदरा ही रहे, अच्छा लगता है खाने में। ऐसे में क्या ना लप लप हो गया था, फिर भी हम लोगों ने क्या किया ना, सुबह तो ऐसे खा लिए लेकिन रात को इसमें हम लोगों ने पानी डाल दिया और इसे दाल में, सॉरी चावल में मिला के खा लिया। और ये देखिए मैंने नॉर्मल सी खाली सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, आलू सोयाबीन। और ये पे आगे अब सोयाबीन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो फिर मिलूंगी आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।